और वो ब्लैडर किसी कांटेदार पदार्थ पर गिर करके कहीं छिद्र ना हो जाए, उसकी हवा निकल ना जाए, इसलिए उस कोमल कोमल ब्लैडर को सुरक्षित रखने के लिए एक चमड़े का कठोर कवर होता है, उसको भी और सौंदर्य प्रदान करने के लिए आपने उस पर मखमल का एक और आवरण चढ़ा दिया। इसी तरह से वायु को मेंटेन करने के लिए रबर का ब्लैडर, और ब्लैडर को मेंटेन करने के लिए चमड़े का कवर, और उस कवर को सुरक्षित रखने के लिए एक ऊपर से कपड़े का मखमल का सुंदर खोल। इसी तरह से भीतर में आत्मा है, उसको आवृत रखने के लिए प्राण है, और उसको आवृत रखने के लिए ये मन चित बुद्धि अहंकार का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर को भी आवृत किए रखने के लिए ये स्थूल शरीर है। ये सब मिल करके कोई काम करते हैं। बताया जा रहा था कि स्थूल शरीर में फोड़ा हो गया तो इसका इलाज होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सकों के यहां मिलेगा। खांसी हो गई, कफ परेशान किए हुए है, वायु का रोग हो गया, वात प्रकुपित होकर के गठिया बन गया, ये चलने फिरने से लाचार कर रहा है, तो इसके लिए दवा हमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ दवा मिल जा सकती है। लेकिन किसी डॉक्टर के यहाँ जा करके आप कहिए कि डॉक्टर साहब आजकल मुझे क्रोध बहुत परेशान किए हुए है, ऐसी कोई दवा दीजिए कि जीवन में मुझे गुस्सा नहीं आवे, है किसी चिकित्सक के पास इसकी दवा, किसी पैथी में? आजकल मुझे काम बहुत दबोच रहा है, लोभ मुझे एकदम दलदल में धसाए ले जा रहा है, तो इस काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से पीछा छूट जाए, ऐसी कोई दवा दीजिए। इसकी दवा एलोपैथी में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, और आयुर्वेद में नहीं है। इसकी चिकित्सा अगर करानी हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, अनुपान भी ग्रहण करना पड़ेगा, और कुपथ्य से परहेज भी रखना पड़ेगा, लेकिन वह डॉक्टर अलग होंगे, वह दवा अलग होगी, वह अनुपान अलग होगा, और वह परहेज अलग होगा। उसका नाम बता दूं, रामचरितमानस की भाषा में सूक्ष्म शरीर में जो रोग होते हैं ना, स्थूल शरीर के रोगों का निराकरण तो ये अस्पताल वाले डॉक्टर लोग कर देंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो मनचित बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, उसमें जो रोग घुसे हुए हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, ये सब रोग हैं। इस सब रोगों की जड़ क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि झगड़े का घर हांसी और रोगों का घर खांसी, इसी तरह से मानसिक रोगों का जड़ मूल कहाँ से प्रारंभ होता है? बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सभी रोगों का मूल है, जड़ है, यहीं से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। मोह किसको कहते हैं? बहुत लोग जानते हैं कि बच्चे के प्रति ममता है, ये मोह में फंसा हुआ है। मात्र इतने ही को मोह नहीं कहते हैं, मोह विपरीत ज्ञान को कहते हैं, विपर्यय ज्ञान विपरीत ज्ञान को कहते हैं। उदाहरण के लिए रात्रि का समय है, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी है, मैंने समझा रे बाप रे सांप, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया तो विपरीत ज्ञान हो गया, ये मोह है। सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है, हमने उसको पानी भरने वाली रस्सी लेज समझ करके और उठाने के लिए गए तो लिपट गया और फुंकार मारने लगा, बाप रे ये तो काल निकला, ये तो सर्प निकला।
रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना और सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाना, इस विपरीत ज्ञान को ही मोह कहते हैं। और सुनिए, मोह शरीर नश्वर है, मां के पेट में आने से पहले भी नहीं था, चिता में जाने के बाद भी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें हमने कर लिया है, ये तो एकदम जो है सो यही है, इसमें अविनाशी पने का भाव कर लिया है। और इसमें जो आत्मा है जिसकी सत्ता को लेकर के ये शरीर चलता फिरता देखता सुनता सब प्रतीत होता है, उस आत्मा के प्रति, अरे वो क्या है, आत्मा क्या है, किसने देखा है आत्मा को, तो कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव, हाय मैं मर न जाऊं, कौन मर जाए, शरीर मर सकता है, आत्मा तो मरती नहीं। तो अविनाशी में नश्वर पने का भाव हो जाना और नश्वर में अविनाशी पने का भाव हो जाना, ये है मोह। जो सही अर्थ में अपना है प्रभु, उसके प्रति भगवान क्या होता है, वो कौन है। और जो सपने में भी अपना नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे बेटे देखे गए, लोग बेटा को तो अपना मानते हैं ना, ऐसे ऐसे बेटे देखे गए हैं कि बाप रेलवे के बहुत ऊंचे पद पर नौकरी करता था, रिटायर हुआ, पहले प्रोविडेंट फंड की रकम थी मिलती थी, तो एक साथ में यानी कई लाख रुपया उसको प्रोविडेंट फंड की रकम मिली, तो अपना बेटा छाती पर कटार लेकर चढ़ बैठा, सारा दर्द मेरे आगे, अरे बेटा कहीं मकान भी बनाऊंगा तो तेरे ही काम, एक शब्द सुनना नहीं चाहता, धर दे, बाप से बेटे ने धरवा लिया और जाकर के अपना क्या क्या अनाप शनाप में उसको उड़ा रहा है। और वही बाप किसी होटल में प्लेट धो धो करके अपनी रोटी कमा रहा है, ऐसे बाप देखे गए हैं, आंखों देखी घटना बताई जा रही है। तो जो कभी अपना साबित हो ही नहीं सकता है, धुंधकारी सरीखे बेटे को अपना मान रहे हैं और अंतर्यामी परमात्मा सरीखे हितैषी को पराया मान रहे हैं, इसका नाम है मोह। जो हमारी भलाई की बात करने वाला हितैषी है उसको हम दुश्मन मान बैठे, और जो भीतर भीतर हमें ऐंठ रहा है निचोड़ रहा है हमें कहीं का नहीं रहने देगा, उस शत्रु को हम अपना हितैषी माने बैठे हैं, इसका नाम है मोह। मतलब कि नश्वर में अविनाशी, अविनाशी में नश्वर, हितकर में अहित और अनहित में हितकर, अपना में पराया, पराया में अपना का भाव रखने वाला जो ये बन जाता है भाव, इसी को मोह कहते हैं। इसी मोह के द्वारा श्री सीताराम जी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। मोह से ही सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर में होती हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। अब इनसे कौन कौन रोग पैदा होते हैं सुनिए। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, प्रीति करहिं जो तीनों भाई, तो उपजई सन्नपात दुखदाई। ये सब रोग, तो इन रोगों का निराकरण करने के लिए हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में नहीं जाना होगा, एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास नहीं जाना होगा, इनके लिए कहाँ जाना होगा। बोले सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम यह न विषय के आसा, रघुपति भगति ये संजीवन मूरी, अनुपान
श्रद्धा मति पूरी एहि विधि भले ही सो रोग न साही नाही तो जतन कोटि नहीं जाई राम कृपा ना सही सब रोगा जो एहि भांति बने संजोगा। भगवान की कृपा से रोग नष्ट होंगे भीतर के जिनको मानसिक रोग कहा गया है भगवान की कृपा से ये रोग नष्ट होंगे। लेकिन यदि ऐसा संयोग बन जाए तो यदि ऐसा संयोग बने तो ये क्या बात है? तो इस पर एक आज का लौकिक उदाहरण लीजिए दृष्टांत के रूप में। हमारे घर में बिजली का प्रकाश हो सकता है यदि हम अपने घर में वायरिंग करा करके बल्ब फिटिंग करा करके रखें तो। यदि वायरिंग करा करके बल्ब फिटिंग करा करके हम रखते हैं तो हमारे घर में बिजली का प्रकाश हो सकता है, बिजली का जो ऑफिस है वो कनेक्शन दे देगा। तो कनेक्शन दे देगा तो प्रकाश तब ना होगा जब पहले से हम वायरिंग करा करके और बल्ब फिटिंग वगैरह करा करके रखे रहेंगे तब ना। इस तरह से ठाकुर तो कनेक्शन देगा, हम लोगों को ये बल्ब फिटिंग और वायरिंग वाला प्रबंध पहले से करा करके रखना होगा। इसी तरह से हमारे भीतर के रोग दूर हो सकते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि ये सब रोग हैं, नष्ट हो सकते हैं। लेकिन कब नष्ट होंगे? बोले राम कृपा ना से ही सब रोग, राम की कृपा से नष्ट होंगे। लेकिन जो यही भांति बने संजोगा, यदि हम ऐसा संजोग बना करके ऐसी भूमिका तैयार करके रखे तो। कैसी भूमिका? बोले कि रघुपति भगत सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति जो है यही सजीवन मूरी माने जड़ी बूटी का काम करेगी, चूरन का, गोली का, काढ़ा का, इंजेक्शन का। रघुपति भगत सजीवन मूरी ये तो बूटी का काम करेगी। और उसके साथ बोले अनुपान, अनुपान कहा ना जी, शहद के साथ, अदरक के रस के साथ, पान के पत्ते के साथ अथवा गर्म जल के साथ, तो जिसके साथ दवा ली जाती है उसका नाम होता है अनुपान। अनुपान के सहित अगर प्रयोग किया जाएगा तब तो राम कृपा ना से ही सब होगा। बूटी है भगवान की भक्ति, भक्ति में नौ प्रकार की बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही सब जड़ी है, यही सब बूटी का काम करेगी, चूरन गोड़ी और काढ़ा का काम करेंगी। इसके साथ अनुपान हो तो और जोरदार होकर के काम करेंगी। अनुपान क्या है? बोले अनुपान श्रद्धा, श्रद्धा ही अनुपान है। बिना श्रद्धा के किया हुआ काम सम्यक फलदायक नहीं होता है। आप कहेंगे कि अगर श्रद्धा नहीं है तो कथा में आएगा क्यों, कथा सुनेगा क्यों, श्रद्धा है तब तो आया है। बोले ना, श्रद्धा से तो श्रद्धावान आता है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो श्रद्धा नहीं है तो भी क्या कहें साहब, मेरा मित्र है, उसके यहाँ कथा हो रही है, उसने मुझे न्योता दिया था कि आइएगा। अब श्रद्धा तो नहीं है लेकिन मित्र का मन रखने के लिए जाना पड़ रहा है। अंतर हो गया कि नहीं? श्रद्धा तो नहीं है लेकिन चूंकि मित्र ने कहा है, मेरे समधी ने कहा है, मेरे अभिन्न रिश्तेदार ने कहा है, तो श्रद्धा तो नहीं है लेकिन उनका मन रखने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो आकर के बैठे, ठीक है। तो जितने अंश में अगर तर्क प्रधान मस्तिष्क वाले होंगे और कोई तर्क प्रधान बात वहां आ गई तो हो सकता है कुछ मिल भी जाए, कुछ रुच भी जाए, कुछ पच भी जाए। और कहीं श्रद्धा वाली बात अगर आ गई, बोले श्रद्धा तो नहीं, अरे हम ये सब ने क्या रखा है, हम नहीं मानते, ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है, अंधविश्वास है, ये है वो है, कुतर करके किनारे, इससे क्या होता।
तो बिना श्रद्धा के कथा का श्रवण रूपी चूरण भी उतना जोरदारी से प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए श्रद्धा पुरस्सर भक्ति का आचरण होना चाहिए। तो भक्ति का आचरण है बूटी, चूरण, गोली और श्रद्धा सहित किया जा रहा है। ये श्रद्धा ही अनुपान है। शहद मान लीजिए, चाहे गर्म जल मान लीजिए, चाहे अदरक का रस मान लीजिए, ये अनुपान है। और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु ही वैद्य हैं और उन्होंने जो सलाह दी है उनके वचनों पर विश्वास करना ही उसको बल देगा कि हाँ इसका सेवन करो, नहीं अविश्वास कर लिया। ले तो रहे हैं उनके कहने से, पता नहीं फायदा करेगा कि नहीं करेगा, कहीं रिएक्शन न कर जाए। इसलिए अब चलो हम तो नहीं लेते, नहीं लेते तो डॉक्टर ने सलाह तो दी, आपने दवा का सेवन किया नहीं, और किया भी तो कैसे किया, अन्य मनस्क भाव से किया। डॉक्टर ने कहा है कि एक दिन में 3 बार दवा लेनी है और हम 3 दिन पर 1 बार ले रहे हैं। और फिर कोई पूछ, जो बहुर कोई पूछने आवा तो सर निंदा करता है, बुझावा कहिए साहब दीक्षा लिए आपने, कुछ फायदा मालूम हो रहा है? बोले हमें तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है। अरे तुम निभाया कहां, कसर अपने में और दोष धर देंगे गुरु जी के ऊपर कि उनकी दीक्षा से तो हमको कोई लाभ हुआ नहीं। तो तुमने कितना उनमें विश्वास किया और कितना उनका आचरण किया, कितना दवा ली और कितना अनुपान किया और कितना परहेज रखा। संयम या न विषय की आशा, विषय की आशा मत रखो। विषय की आशा क्या मतलब, भूख लगी तो भोजन करना ये विषय, प्यास लगी तो पानी पीना विषय, जाड़ा लगा तो कपड़ा ओढ़ना विषय है, संतान की आवश्यकता हुई तो पत्नी का सेवन विषय है। हमारे जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं ये विषय है। तो विषय की आशा न रखें, इसका मतलब क्या कि खाना पीना छोड़ दे, कपड़ा पहनना छोड़ दे, नहीं। सहज स्वभाव से जो प्राप्त है उसको जीवन बरकरार रखने भर के लिए आप जो कर रहे हैं, वो विषय का सेवन करते हुए भी आप विषय नहीं माने जाएंगे। प्यास लगी तो जल विषय है, उसका सेवन करने का अधिकार है आपको, जल पी सकते हैं। लेकिन अरे भाई जरा बर्फ डाल के लाना, अरे भाई जरा इसमें केवड़ा का की सुगंधी भी डाल देना, अरे भाई इसमें जरा नमक डाल देना, जरा मिर्च डाल देना, जरा काला जीरा डाल देना, जरा स्याज और अमुक ये डाल देना, वो डाल देना। अब ये विषय हो गया, ये विलासिता हो गया, इसको प्रश्रय नहीं दे सकती है भक्ति। दूसरी बात है संयम यह न विषय के आशा। आशा का मतलब अभी हम जीवन बरकरार रखने के लिए जो सेवन कर रहे हैं, आशा नहीं है विषय की आशा। हम भजन करेंगे और भगवान खूब प्रसन्न होकर के सामने आ जाएंगे, कहेंगे कि बोलो बेटा क्या चाहते हो, हम कहेंगे कि सोने की लंका मिल जाए, हम कहेंगे कि उर्वशी सरीखी अप्सराओं का ढेर लग जाए, हम कहेंगे कि हम इंद्र के पद पर बैठ जाएं, तो ये विषय की आशा हो गई। मैंने अल्टीमेटम के रूप में हम मांगेंगे भगवान से, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, ये नहीं। मांगना होगा तो क्या मांगेंगे, बोले मांगना होगा तो हम एक ही चीज मांगेंगे, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपका प्रेम, आपकी प्रसन्नता। इसके अतिरिक्त कुछ भी मांगेंगे तो धोखा खाएंगे। मांगने पर एक बार मिल तो जाएगा, लेकिन जो मिल जाएगा वो यही रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जा सकेगा। और हम उनसे मांगेंगे कि श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, सेवा दीजिए, उपकार दीजिए, तो ये कुछ मांगेंगे तो ये हमारे साथ जाएगा, ये यहां रहने वाला नहीं, ये हमारे साथ जाएगा। आप लोगों को क्या बताया जा रहा था,
बताया जा रहा था कि जिस संस्कार के लिए आप लोग आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को दो नामों से जाना जाता है। इसको कुछ लोग दीक्षा संस्कार कहते हैं और कुछ लोग शरणागति संस्कार कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं, इसलिए कि ये दो क्रिया हैं जो दो तरफ से की जाती हैं। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। अगर शिष्य सही ढंग से शरणागति करे और गुरुजी सही ढंग से दीक्षा दें, तो दोनों की पैनी धार मिलकर कैंची बनेगी और इससे भव बंधन कटेगा। श्री हरे नमः। देखिए एक बंदर किसी की पूरी कीजिए। देखिए जैसे हम तो पूजन की सामग्री लेकर पूजन के लिए आए और हमारा ध्यान इधर है, तब तक बंदर पूरी डलिया लेकर के भाग गया। इसे भी शिक्षा लेनी है। हम भजन भक्ति कर रहे हैं भवबंधन से छूटने के लिए, जो भी हम श्रद्धा और विश्वास क्षमा दया से उपकार इत्यादि की पूंजी जुटा रहे हैं, तब तक काम क्रोध इत्यादि आकर के बगल से उनका हरण कर लेते हैं। इनसे बहुत सावधानी रखनी चाहिए हम लोगों को। यही सारी प्रक्रियाएं दीक्षा शिक्षा इत्यादि में बताई जाती हैं। निवेदन किया जा रहा था, इस संस्कार को दो नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको दीक्षा संस्कार कहते हैं, कुछ लोग इसको शरणागति संस्कार कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति के ऊपर दीक्षा का भाव बाद में बताएंगे, अभी पहले दीक्षा शब्द का अर्थ केवल बता देते हैं। अभी इसमें दो शब्द हैं, दी और क्षा। दी और क्षा, इसका अर्थ किया गया है कि श्लोक में दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात इति दी। गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया इसलिए दी, और इसके द्वारा कुर्यात पापस संक्षयम इति क्षा। उसके पापों का क्षय किया गया, उसके बुराइयों का क्षय किया गया, उसके बंधनात्मक संस्कारों का क्षय किया गया, इसलिए क्षा। दोनों मिलकर के दीक्षा। और अब दिव्य ज्ञान क्या है, उसके लिए पांच प्रसंग कह करके, उसको पांच सब्जेक्ट कह करके, पांच अर्थ कह करके उसको अर्थ पंचक कहा गया है। आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा का आपस का संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा का आपस में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप, आत्मा परमात्मा का संबंध और आत्मा परमात्मा का कर्तव्य, इनका निरूपण किया जाता है। तो अर्थपंचक में पहला है आत्मा का स्वरूप, दूसरा है परमात्मा का स्वरूप, और तीसरा है आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई है, कोई पर्दा पड़ गया है, जिससे ये आत्मा उस परमात्मा से आमने सामने नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, तो एक कारण तो यह है कि आत्मा इधर और परमात्मा इधर, अपना रुख दोनों एक दूसरे से विपरीत अगर कर दिए तो एकदम एक साथ चिपके रहने पर भी प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए दीक्षा इसलिए दी जाती है कि आत्मा और परमात्मा यों से यों हो जाए, आमने सामने हो। और दूसरा, मान लीजिए कुछ दिन साधना करने के बाद, सत्संग करने के बाद, दीक्षा शिक्षा के पश्चात हम आमने सामने तो हो गए, लेकिन हमारे और उनके बीच में ज्यादा नहीं, एक इतना ही मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है, तो क्या हम आमने सामने हो सके। एक दीवार खड़ी है इतनी मोटी सी, 2.5 इंच की, तो क्या हम आमने सामने हो सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या हम आमने सामने हो सके। श्री हरे नमः।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तो दीक्षा का तात्पर्य है दिव्य ज्ञान का दान दिया गुरुजी ने और उसके द्वारा उसके पापों का उसकी बुराइयों का उसके और उस प्रभु के बीच के व्यवधान पर्दा और दीवार को निराकरण पहले उसका स्वरूप समझना समझाना और फिर उस व्यवधान को हटाने का उपाय क्या अपनाना पड़ेगा भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि उपाय क्या करना होगा इस उपाय को भी समझना होगा और मान लीजिए कुछ दिन साधना करते करते हम आमने सामने भी हो गए प्रभु के दीवार भी बीच की हट गई पर्दा भी हट गया और प्रभु एकाएक सामने आकर के खड़े हो गए बोलो बेटा क्या चाहते हो तो हम उनसे कुंभकर्ण की तरह 6 महीने की नींद मांगे या भस्मासुर की तरह जिसके सिर पर हाथ धर दो उसका सत्यानाश हो जाए ये मांगे ये सब मांगने की चीज नहीं है क्या मांगे हे प्रभु आपका प्रेम आपकी भक्ति ज्ञान वैराग्य सेवा उपकार आपकी प्रसन्नता बस इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए जा न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह बसव निरंतर तास उर्सो राउर निजगे ये सारी बातों की जानकारी दी जाती है इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है इतिहास है भूगोल है गणित है हिंदी है अंग्रेजी है फिजियोलॉजी है बायोलॉजी है केमिस्ट्री है अमुक है ढमुक है ये सब में से एक भी दिव्य ज्ञान नहीं है ये भौतिक ज्ञान है स्थूल पदार्थों का ज्ञान है इससे आत्मा की समस्या हल नहीं हो सकती है दुनियादारी में हम ये कर सकते हैं घर बैठे दुनिया से बोलो उड़े आकाश पक्षिन संग हो लो कोस हजारों क्षण में चल जाओ भले रहस्य चांद का खोलो लेकिन तनी पूछो विज्ञान जगत से नेक तो पूछो विज्ञान जगत से कि रोग बुढ़ापा मरण हटा देगो चांद सूरज को रात दिवस को और ऋतुओं को इतना भी खिसका देगो विज्ञान ने क्यों नहीं शीतलहरी पर कंट्रोल कर लिया वर्षा नहीं होती है तो क्यों नहीं विज्ञान वर्षा कर लेता है इसके ऊपर परमात्मा का ही अधिकार हो सकता है तो भौतिक ज्ञान से हम आत्म सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं आत्म सुख शांति तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा आपको अगर आपको कमल का फूल चाहिए तो सरोवर की ओर जाना पड़ेगा और सरोवर में भी जिसमें कमल खिला हुआ है उस सरोवर की ओर जाना पड़ेगा चाहिए आपको कमल का फूल और आप सरोवर की ओर जाने के बजाय आप पहाड़ी की ओर जा रहे हैं तो वहां कमल कहां से मिल जाएगा आपको चाहिए घी और आप गाय की हत्या करा करके और ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो ट्रैक्टर के कौन पुर्जा से आप दूध और घी निकाल लीजिएगा अगर चाहिए आपको आत्म शांति तो अध्यात्म का संग्रह आपको करना पड़ेगा श्री हरेणु अगर आत्म शांति चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़ना होगा परमात्मा से जुड़ना होगा इन सब बातों का ज्ञान जो दिया जाता है उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है उसी को अर्थपंचक कहा गया है इसके द्वारा हमारे पापों का बुराइयों का और बंधनात्मक संस्कारों का क्षय होता है इसलिए दी और क्षा दोनों मिलकर के दीक्षा कहलाता है अभी हम
निवेदन कर रहे थे कि संस्कार को दो नामों से जाना जाता है, दीक्षा संस्कार और शरणागति संस्कार। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति एक ऐसी क्रिया है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपनानी पड़ती है। विद्यार्थी को मास्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी, रोगी को डॉक्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी। इसी तरह से जीव को, इस आत्मा को भवबंधन से छूटने के लिए परमात्मा की शरणागति करनी पड़ेगी। मुंह से सब कह देते हैं कि हम भी उस प्रभु की शरण में हैं, लेकिन केवल मुंह से कहना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि शरणागति की जो शर्तें हैं उनको निभाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ शरणागति की शर्त है, नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो और जांच कराओ, औषधि लो, अनुपान लो, परहेज रखो। इसी तरह से विद्यार्थी के लिए जैसे मास्टर साहब की तरफ से शरणागति की शर्त है, नाम लिखाओ, फीस जमा करो और रेगुलर क्लास करो, पढ़ो लिखो, याद करो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सही उत्तर दो। इसी तरह से भवबंधन से छूटने वाली भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को मानने वाला, निभाने वाला ही सही शरणागत है। अब भगवत शरणागति की कौन कौन शर्तें हैं, आज केवल सूची बना करके विश्राम दूंगा, सूची बता करके विश्राम दूंगा। भगवत शरणागति की 6 शर्तें हैं, इन्हीं